हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको नए वीडियोस देखने हैं एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द होम मेकर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी लाई हूँ, जो कि है पास्ता कुरकुरे। ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बाजार के कुरकुरे खा रहे हैं। इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए अब इसके जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए चाहिए 1 कप पास्ता। यहाँ मैंने मैक्रोनी लिया है, आप कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, या कलर देगा अच्छे से, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, आधा छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले एक पैन में पानी को बॉईल करने रखना है, फिर उसमें नमक भी डाल दीजिए। जब पानी में अच्छा बॉईल आ जाए, तब हम अपना जो रॉ पास्ता है वो इसमें कुक करने के लिए डाल देंगे। इसको अच्छे से बॉईल आने तक कुक करना है, फिर इसको हिलाते हुए अच्छे से कुक करिए जब तक हमारा 80-90% पास्ता कुक ना हो जाए। जब हमारा पास्ता अच्छे से फूल जाए, तो इसको स्ट्रेनर की सहायता से स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। फिर इसके ऊपर मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर एंड 1 बड़ा चम्मच मैदा डाल दिया है, क्योंकि हमको इसको क्रिस्पी बनाना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से कोट करिए। फिर इसको इवनली कोट करने के लिए मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि हमारा पास्ता यूनिफॉर्मली कोट हो जाए। अगर पास्ता कहीं से चिपक रहा है, तो उसको अलग करके इसको अच्छे से कोट करिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर एक पैन में 2 से 4 इंच तक का तेल ले लीजिए। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा जो पास्ता हमने कोट किया था वो डाल के तल लेंगे। पैन में ओवरक्राउड मत करिए पास्ता, थोड़ा थोड़ा बैचेस में इसको हमको तलना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसको तलने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप इसको हिलाते हुए यूनिफॉर्मली हर तरफ से क्रिस्पी होने तक तल लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पास्ता ब्राउन हो गया है और अच्छा क्रिस्पी दिख रहा है। तब इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर हम निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा तेल झटक कर निकाल लीजिए और फिर टिश्यू पेपर पे इसको रख दीजिए। वैसे ही मैंने सेकेंड बैच में पास्ता को तल लिया है। इसको भी अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद तेल से निकाल लिया है। फिर जो हमारे मसाले थे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला और सिट्रिक एसिड, इन सबको अच्छे से एक प्लेट में निकाल कर मिक्स कर लीजिए।
यह हमारा स्पाइस मिक्स है जो हम हमारे कुरकुरे के ऊपर डालेंगे। आप अगर इसको थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने अपने तले हुए पास्ता जो है उसको एक बाउल में निकाल लिया है। और उसके ऊपर थोड़ा एक एक चम्मच हमारा स्पाइस मिक्स डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा जो स्पाइस मिक्स है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए और हमारा जो पास्ता है एकदम कुरकुरे जैसा फ्लेवर आए उसमें। थोड़ा थोड़ा करके मसाला और डालते जाइए, जब तक हमारा पूरा मसाला बाउल में पास्ता के ऊपर कोट ना हो जाए। हम देख सकते हैं हमारा पास्ता कुरकुरे एकदम क्रिस्पी बना है इसकी आवाज़ से, और ये रेडी है। इसको आप 2-3 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें। अगर आपको ये इजी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें होम मेकर चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।